अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। 2.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। यह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या आपका यानी कि इसमें आपके जो है एक्सप्रेशन की टाइप ये होगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है, आपने इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है, ये इजी हैं क्वेश्चंस। अब इसमें देखें, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, उसके बाद आप जब एग्जांपल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखें ए एक्स प्लस बी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखें, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप वही होता है जैसे हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन। लेट हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यू। अब हमने y को किससे रिप्लेस कर देना है, y प्लस डेल्टा y के साथ, और x को रिप्लेस कर देना है x प्लस डेल्टा x के साथ। और उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमने y को उधर ले जाना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा x प्लस बी क्यूब, और माइनस y की वैल्यू क्या दी हुई है ए एक्स प्लस बी क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे कर देना है डेल्टा y इज इक्वल, आप देखें यहाँ पे क्या वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसी आपने इसको भी यहाँ पे इसी हिसाब से अरेंज कर लेना है, ए एक्स प्लस बी को इधर रख लेना है और ए डेल्टा एक्स को आगे लिख लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे वाई की वैल्यू है उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे ये चीज़ करनी है ताकि ये हमारी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी क्यूब, हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका रह गया वन प्लस, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, वन प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर क्या आ जाएगी क्यूब, और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस वन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। आप इसको आगे सॉल्व करने के हम इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल सीरीज, नोमियल सीरीज से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। बायनोमियल सीरीज़ अब आपको अच्छी तरह याद हो गई होगी, वही चीज़ें इसमें चल रही हैं। बायनोमियल सीरीज़ के लिए वन प्लस एन एक्स, एन अब इसमें क्या है थ्री, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फिक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर प्लस ओन, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस वन, जहाँ पे वन और वन आपस में कैंसिल हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पहले आप चाहे कॉमन ले लें, अगर आपको ये थोड़ा सा ज़रा हो रहा है कि पहले कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन अब ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इसकी हर टर्म में है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा यहाँ पे देखें थ्री बच गया। ठीक है, ये देखें ये ए डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस बी कॉमन आ गया, सिर्फ थ्री यहाँ पे रह गया, थ्री प्लस थ्री डॉट, इसको थ्री माइनस वन को टू कर लें, टू फिक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, इसका स्केयर था ना नेक्स्ट में क्यूब होगा तो उसका स्केयर बच जाएगा प्लस ऑन, इस तरह ये चलता रहेगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ए एक्स प्लस बी क्यूब ए डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और साथ में क्या है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, अंदर आपकी वैल्यू रह गई थ्री प्लस ये थ्री डॉट टू ओवर टू फिक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ऑन। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट, ये आपका थर्ड स्टेप था। ठीक है, और अब हमारा ये फोर्थ और लास्ट स्टेप, अब अप्लाई लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे देखें इसकी पावर वन है ना और यहाँ क्यूब है तो इसको हम ऊपर ले आएंगे ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री माइनस वन, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखें थ्री बच गया और अगली जो सारी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी ज़ीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ आपने इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद हमें कॉमन लेना है, कॉमन हमने क्या इसमें बनाना होता है जो हमारी वाई की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू ए एक्स प्लस बी थी इसलिए हमने इसको इस तरह पहले अरेंज कर लिया कि एक्स प्लस बी को ब्रैकेट में लिख लिया प्लस ए डेल्टा एक्स को ब्रैकेट से बाहर, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ए एक्स प्लस बी जो है वो कॉमन ले लिया। अब उसके बाद देखिए इसी का सेकेंड पार्ट है 2x plus 3 की होल पावर 5,
ये भी आप इजीली कर सकती हैं सेम इस तरह या ए एक्स प्लस बी की तरह, ये आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, 3t + 2 की पावर सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, 3t + 2 की पावर -2। अब देखिए ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आपका यहाँ पे एक्स की जगह टी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, लेकिन आपके स्टेप सारे वही रहेंगे। इसमें भी हम यही ले लेंगे, लेट वाई इज़ इक्वल टू 3t + 2 की पावर -2। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा y प्लस डेल्टा y के साथ, और t है, जैसे पहले x x को रिप्लेस करते थे x प्लस डेल्टा x के साथ, अब t है तो t को रिप्लेस कर देंगे t प्लस डेल्टा t के साथ, सारे स्टेप्स आपके वही रहने हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y को उधर माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 3t + 3 Δt + 2 और माइनस वाई की वैल्यू आपकी क्या है, 3t + 2 की पावर -2। अब देखें ये भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपकी जो वाई की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हमने यहाँ भी इस वैल्यू को अरेंज कर लेना है, 3t + 2 को आपने ब्रैकेट में लिख देना है और 3Δt को इस तरह सेपरेट कर देना है, और 3t + 2 की पावर -। अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन दोनों में से 3t + 2 की पावर -2 कॉमन ले लिया, अंतर रह गया 1 + 3 over 3t + 2 की 3Δt था, ठीक है। ऊपर इसकी पावर आपके पास क्या है, -2 और -1, माइनस यहाँ पे आपका ये भी आपकी चीज़ इसमें से कॉमन आ गई। एक इसी स्टेप में भी आप कॉमन ले सकती हैं, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे एक और करना है तो उसमें आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन आ गया 3t + 2 की पावर -2, तो अंदर आपकी वैल्यू रह गई 1 + 3Δt over 3t + 2 की पावर -2 और -1। अब ये 1 इस 1 से उस वक्त कैंसिल होगा जब हम इसमें बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देंगे और इसको ओपन करेंगे, अप्लाई बायनोमियल सीरीज़ 3t + 2 की पावर -2, 1 + x की पावर n हो गया, तो 1 + nx, n आपके पास है -2 और x की जगह हमारे पास वैल्यू है 3Δt over 3t + 2 प्लस n(n-1)/2 3Δt over 3t + 2 का स्क्वायर + 1, इसको आगे चलता रहने देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपका यहाँ से सारा कॉमन आ रहा है ना, 3Δt over 3t + 2, ये चीज़ आपकी कॉमन आ रही है, इसको हमने कॉमन ले लेना है, और एक आपका 3t + 2 की पावर -2 ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1 यहाँ पे आपका क्या बच गया, सिर्फ -2 + -2 × -2 - 1 / 3t + 2 का Δt over 3t + 2 का होल स्क्वायर + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय Δt। अब क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह टी हमारे पास वेरिएबल है तो हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे भी देखिए आपका है ना 3t + 2 की पावर -2 और 3Δt over Δt, यहाँ पे भी देखिए इसकी पावर 3t + 2 की पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 बन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 1 - 2, ठीक है। हाँ 1 जो है आपका, ये देखें ये अगले स्टेप में जाके -1 के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे आपकी वैल्यू बच गई -2 ये वैल्यू है -2 + -2 × -2 - 1 / 3t + यहाँ पे (2 factorial) था और साथ में था Δt over 3t + 2 होल स्क्वायर + 1, वही जो आप हर स्टेप में करती आ रही हैं वही चीज़ है। अब इसमें आपने अप्लाई कर देनी है लिमिट, अप्लाई लिमिट एज Δt → 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट Δt → 0 Δy/Δt = यहाँ पे जो देखें आपकी वैल्यू लास्ट स्टेप में जो बची थी वो क्या थी, 3t, यहाँ Δt Δt से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू थी
थ्री इंटू थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस थ्री हो गई, ठीक है। माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन क्या बन जाएगा, माइनस थ्री, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बची थी, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू, और नेक्स्ट सारी टर्म जो है वो आपके पास हो गई थी ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ जाएगा थ्री इंटू थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस थ्री, और टू भी बच गया, थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स आ जाएगा, थ्री टी प्लस टू की पावर माइनस थ्री, और ये चीज़ बन जाएगी डी वाई बाय डी टी, और ये आपका हो जाएगा सिक्स ओवर थ्री टी प्लस टू का होल क्यूब। ये आपका जो है इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट आपने खुद करना था, ठीक है। अब जहाँ लास्ट टू पार्ट्स रह गए हैं, ये जो है फोर्थ पार्ट तो सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही है कि अगर आप इसको ऊपर ले जाएं और इसकी पावर कर दें माइनस फाइव। चलिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम कल वाले लेक्चर में करेंगे।